श्रावण मास का पहला सोमवार होने के कारण आज सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देवास जिले के नेमावर स्थित सिद्धनाथ महादेव के मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। तड़के 2:30 बजे से बाबा सिद्धनाथ महादेव की भस्म आरती शुरू हुई, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना जाता है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के पहले सोमवार के दिन आज सिद्धनाथ महादेव बाबा की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती से पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग व चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। भस्म भूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज सुखनाथ महादेव के दरबार में सुबह से ही उत्साह व आनंद का माहौल है। श्रावण भादसों में सोमवार को बाबा सिद्धनाथ महादेव की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए आज शाम को बाबा की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा सिद्धनाथ महादेव भगवान का नगर भ्रमण भी निकालते हैं। यहाँ बाबा की सवारी के दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सड़कों के किनारे घंटों इंतजार करते हैं और सिद्धनाथ की एक झलक पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। के नाभि तीर्थ नेमावर में बाबा सिद्धनाथ के दरबार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज प्रातः 4 बजे से भस्म आरती के पश्चात से ही बाबा सिद्धनाथ के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालुगण यहां पर पहुंच रहे हैं और भगवान सिद्धनाथ के दरबार में मां नर्मदा के जल से अभिषेक पूजा पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतर्गत 4 सोमवार का विशेष पर्व बाबा सिद्धनाथ के दरबार में मां नर्मदा के नाभि तीर्थ में मनाया जा रहा है और जिसमें विशेषकर 2 सोमवार में प्रदोष का पुण्य बल यहां पर होने के कारण सोमवार का महत्व और भी कई ज़्यादा बढ़ जा रहा है।